वेस्ट यूपी और मेरठ का बड़ा माफिया एनकाउंटर में ढेर किया जा चुका है। अनिल डुजाना का दिल्ली एनसीआर से लेकर हरियाणा तक आतंक फैला हुआ था, जो कि अब एनकाउंटर में ढेर किया जा चुका है, जिसके बाद से ही यूपी एसटीएफ तमाम ब्रास खोल रही है। वही अब यूपी एसटीएफ ने अनिल डुजाना की शादी पर बड़ा खुलासा किया है, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए आपको इस कुख्यात गैंगस्टर की पूरी क्राइम कुंडली बताते हैं, और साथ ही बताते हैं कि यूपी एसटीएफ ने अपने इस खुलासे में क्या क्या बताया है। ताजा अपडेट की बात करें तो अनिल डुजाना को पुलिस एसटीएफ की करीब 7 टीमें तलाश कर रही थी। इस शातिर अपराधी के ऊपर 60 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इतने नहीं, अनिल पर एनएसए भी लगाया जा चुका है। पश्चिम उत्तर प्रदेश सहित दिल्ली एनसीआर में आतंक के प्राय बने कुख्यात गैंगस्टर अनिल डुजाना का खात्मा हो गया है। यूपी एसटीएफ की टीम ने मेरठ के एक गांव में अनिल डुजाना को एनकाउंटर में मार गिराया। यूपी के टॉप गैंगस्टर्स में शामिल डुजाना की तलाश पुलिस को लंबे वक्त से थी। खुफिया इनपुट के आधार पर पुलिस ने मेरठ में उसे घेर लिया, जहां जवाबी फायरिंग में वो मारा गया। गैंगस्टर अनिल डुजाना पर 18 हत्याओं के अलावा रंगदारी, लूटपाट, जमीन कब्जाने और आर्म्स एक्ट मिलाकर कुल 50 से ज्यादा केसों में जेल की सजा काटने वाले इस गैंगस्टर की शादी की कहानी भी काफी हैरान करने वाली थी। फरवरी 2019 में सूरजपुर कोर्ट में पेशी के दौरान अनिल डुजाना ने बागपत की रहने वाली पूजा से सगाई की थी। सगाई के बाद 16 फरवरी 2021 को दोनों ने शादी कर ली। पूजा बागपत के घिटौरा गांव की रहने वाली है और 12वीं तक उसने पढ़ाई की है। हाल ही में पूजा की गौतम बुद्ध नगर के जिला पंचायत वार्ड नंबर 2 से चुनाव लड़ने की खबर सामने आई थी। लेकिन आपको बता दें कि अनिल डुजाना पूजा नहीं बल्कि उसके पिता की पसंद थे। अब सवाल ये है कि आखिर एक बाप ने अपनी बेटी के लिए गैंगस्टर दामाद क्यों चुना? तो चलिए उसका जवाब जानते हैं। दरअसल उसका जवाब है रौब दिखाने के लिए। दरअसल पूजा के पिता लीलू का बागपत के एक व्यक्ति राजकुमार से 40 बीघा जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। अब राजकुमार ने अपनी दो बेटियों की शादी गाजियाबाद के कुख्यात बदमाश हरेंद्र खड़खड़ी और उसके भाई से कर दी थी। ऐसे में किसी भी तरह से राजकुमार के आगे लीलू कमजोर न पड़े, इसीलिए वो खड़खड़ी के भी बड़ा गैंगस्टर खोजने में लगा था, जिसके बाद उसकी तलाश गैंगस्टर अनिल डुजाना से पूरी हुई और फिर पूजा के पिता ने अपनी बेटी की शादी अनिल डुजाना से कर दी। डुजाना की शादी के बाद पूजा का परिवार भी यूपी एसटीएफ की निगरानी में रहा। कुख्यात गैंगस्टर अनिल डुजाना की शादी भी अपराध जगत की एक दिलचस्प कहानी है। जब अनिल डुजाना की शादी हुई तो उसकी उम्र 42 साल की थी और उसकी बीवी पूजा की उम्र उससे आधी यानी 21 साल थी। पूजा बागपत जिले की रहने वाली और अनिल डुजाना गौतम बुद्ध नगर का निवासी था। खास बात तो यह है कि अनिल और पूजा का रिश्ता पूर्वांचल के महाराजगंज जेल में तय हुआ था। जेल से छूटते ही अनिल डुजाना ने पहले मंगनी की और फिर दोनों को शादी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। यूपी एसटीएफ ने मुठभेड़ के बाद प्रेस नोट जारी किया है, उसमें अनिल डुजाना और पूजा की शादी का सिलसिलेवार ब्यौरा भी दिया गया है। यूपी एसटीएफ ने बताया है कि फरवरी 2019 में महाराजगंज जेल में बंद रहते हुए ग्रेटर नोएडा के योगेश डाबरा और वीरेंद्र नागर ने अनिल डुजाना का रिश्ता बागपत जिले के घिटौरा गाँव में करवाया था। अनिल डुजाना की पत्नी पूजा का पिता लीलू है और दरअसल लीलू का उसके गांव में राजू पहलवान से संपत्ति का विवाद चल रहा है। राजू पहलवान ने अपनी बेटी की शादी हरेंद्र खड़खड़ी नाम के बदमाश के साथ कर दी थी। उसकी प्रतिस्पर्धा में लीलू ने और भी बड़े बदमाश की तलाश शुरू की और अंत में उसे अनिल डुजाना मिला और अनिल डुजाना से अपनी बेटी की उसने शादी करा दी। आपको यहाँ बता दें कि अनिल डुजाना गौतम बुद्ध नगर के थाना बादलपुर के गांव डुजाना का रहने वाला था। अनिल डुजाना के कुख्यात माफिया सुंदर भाटी और उसके गैंग से रंजिश चलती थी। इस रंजिश में कई हत्याएं हो चुकी हैं। 2012 में अनिल डुजाना और उसके गैंग ने सुंदर भाटी और उसके करीबियों पर AK-47 जैसे हथियारों से हमला किया था। अनिल डुजाना और सुंदर भाटी गैंग के बीच सरकारी ठेको सरिया की अवैध तरीके से चोरी टोल के ठेकों को लेकर आपस में झगड़ा रहता था। हालांकि अब आगे देखने वाली बात होगी कि इस पर और क्या क्या खुलासे होते हैं। देखिए, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।